हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव हाउस डिज़ाइन। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं हाउस प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस और आपके घर में बनने में जो भी प्रॉब्लम आ रही, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम रहती हैं, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, या फिर आप दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्लान है वो हमारा है 30x30 का। इसका जो फ्रंट है वो 30 का है और इसकी जो डेप्थ है वो भी 30 फुट की है। इसके अंदर जो हमने डिज़ाइन किया है वो 2 BHK की है, यानी कि दो रूम के साथ और विद कार पार्किंग के साथ। तो चलिए इस प्लान को दोस्तों हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ से इसका एंट्रेंस है जो कि 8 फिट चौड़ा है और 14 फिट लंबा है। इसके अंदर आप आराम से आप एक अपनी गाड़ी खड़ी कर सकेंगे। यहीं से दोस्तों इसका जीना है जो आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचा देगा। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से इसकी सेकंड मेन एंट्री है जहाँ जो कि 4 फिट चौड़ी है। दोस्तों, यहाँ से आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लॉबी है। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो दी हुई है। इसके बाद एक मॉड्यूलर किचन है जो कि ओपन किचन है, जिसके अंदर यहाँ पर आप एक डाइनिंग टेबल अपनी डाल सकते हैं। और यहाँ से जो वेंटिलेशन होता रहेगा, ये इसका क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ से होता रहेगा, तो जो भी स्मोक और जो भी स्मेल रहेगी वो यहाँ से पास आउट होती रहेगी। तो दोस्तों, लॉबी के लिए कॉमन टॉयलेट है जो कि यहाँ पर है, जिसका जो साइज है दोस्तों वो 4x7 का है। यहीं पर इसका एक OTS है जहाँ से जो भी स्मेल होगी वो यहाँ से पास आउट होती रहेगी। दोस्तों, इसके अगर इस रूम के बेडरूम का साइज़ की बात करें तो ये दोस्तों 12x10 फिट का है। और इसके वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने OTS दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा। इसके अंदर एयर और फ्रेश एयर आती रहेगी। दोस्तों, जो दूसरा रूम है इसका जो साइज है दोस्तों वो 12x11 का है। ये दोस्तों, ये रूम इससे बड़ा है। इसके अंदर हमने कबर्ड भी दिया है, यहाँ पर आप 2 फिट का एक कबर्ड भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। और इसके अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम है जो जिसका साइज़ दोस्तों 5x6 का है। और यहाँ पर हमने OTS दिया है, इसके अंदर इतना एरिया है, ये है 4x5 का दोस्तों, जिसके अंदर आप वॉश एरिया भी अपनी मशीन रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने कपड़े धो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये प्लान हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम भी आपके लिए प्लानिंग लेकर आते रहेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हम भी आपके लिए हाउस प्लान करते हैं। आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप हमसे इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।